कबीर दास जी का जीवन परिचय। यह जीवन परिचय हम भारत दर्शन हिंदी साहित्यिक पत्रिका के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कबीर हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व है। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास फेंक आई। कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है कि कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे या नीमा और नीरू के केवल इनका पालन पोषण किया है। कहा जाता है कि नीरू जुलाहे को यह बच्चा लहरतारा तालाब पर पड़ा पाया, जिसे वह अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कबीर ने स्वयं को जुलाहे के रूप में प्रस्तुत किया है। जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर की उत्पत्ति काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर पालक के रूप में हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर जन्म से मुसलमान थे और युवा अवस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ। एक दिन कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े थे। रामानंद जी उसी समय गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में, हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चेताए, से ज्ञात होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों और मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को आत्मसात कर लिया। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र कमल तथा पुत्री कमाली थी। इतने लोगों की परवरिश करने के लिए उन्हें अपने घर पर काफी काम करना पड़ता था। साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वीरानी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्या उसका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हरी बिन राखन हार न कोई। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने इस पर एक जगह बताया है, मसी कागत छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुंह से बाखे और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। आपके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। अवतार मूर्ति रोजा ईद मस्जिद मंदिर आदि को वो नहीं मानते थे। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। एच विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथ है। कबीर की वाणी का संग्रह बिज्जक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग है, रैमिनी शब्द और सारवी। यह पंजाबी राजस्थानी खड़ी बोली अवधी पूर्वी ब्रज भाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर परमात्मा को मित्र माता पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। वे कभी कहते हैं, हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा। उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गई। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। इससे दोनों संप्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा हुई। इनके पंथ मुसलमान संस्कृति और गौ भक्षण के विरोधी थे। कबीर को शांति में जीवन प्रिय था और वे अहिंसा सत्य सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे।
अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका आदर हो रहा है। कबीर का पूरा जीवन काशी में ही गुजरा, लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए थे। वह न चाहकर भी मगहर गए थे। वृद्धावस्था में यश और कीर्ति की मार ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। उसी हालत में उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्म निरीक्षण तथा आत्म परीक्षण करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्राएं की। कबीर मगहर जाकर दुखी थे। उन्होंने एक जगह बताया है, अब कहूँ राम कवन गति मोरी, तजीले बनारस मति भाई मोरी। कहा जाता है कि कबीर के शत्रुओं ने उनको मगहर जाने के लिए मजबूर किया था। वे चाहते थे कि कबीर की मुक्ति न हो पाए, परंतु कबीर को तो काशी मरण से नहीं राम की भक्ति से मुक्ति पाना चाहते थे। एक जगह उन्होंने बताया है, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम है कौन निहोटा। अपने यात्रा क्रम में ही वे कालिंजर जिले के पिथौराबाद शहर में पहुंचे। वहां रामकृष्ण का छोटा सा मंदिर था। वहां से संत भगवान गोस्वामी जिज्ञासु साधक थे, किंतु उनके तर्कों का भी एक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ था। संत कबीर से उनका विचार विनिमय हुआ। कबीर की एक साखी ने उनके मन पर गहरा असर किया। बनते भागा बिहेरे पड़ा, करहा अपनी बान, करहा बेदन कासो कहे को करहा को जान। वन से भागकर बहेलिए के द्वारा खोए हुए गड्ढे में गिरा हुआ हाथी अपनी व्यथा किससे कहे। इस दोहे का अर्थ है, वन से भागकर बहेलिए के द्वारा खोए हुए गड्ढे में गिरा हुआ हाथी अपनी व्यथा किससे कहे। सारांश यह है कि धर्म की जिज्ञासा से प्रेरित होकर भगवान गोसाई अपना घर छोड़कर बाहर तो निकल आए, और हरिव्यासी संप्रदाय के गड्ढे में गिरकर अकेले निर्वासित होकर ऐसी स्थिति में पड़ चुके हैं। कबीर आडंबरों के विरोधी थे। मूर्ति पूजा को लक्ष्य करती उनकी एक साखी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहार, ताथो ते चक्की भली जिसे पीसी खाए संसार। 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में कबीर का देहांत हो गया। कबीर दास जी का व्यक्तित्व संत कवियों में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य के इतने वर्षों पुराने इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास के अतिरिक्त इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी कवि का नहीं है। आखिरी में कबीर दास जी की कुछ पंक्तियां, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। Thank you.